है जहाँ की जनता ने पहले ही निर्णय कर लिया है वहाँ कोई चुनाव ना होने, ये बात तो देखे हुई है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद, इतनी मोहब्बत आपकी मिलती है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और ये वो दौलत है जो और किसी राजनेता के पास नहीं है। अगर विधानसभा की बात की जाए, देखिए जब सत्ता दल का गठन हो गया है, 18 जगह से जब सत्ता दल के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में, सबके प्रचार में जाना पड़ता है, सबके यहाँ जनसंपर्क में जाना पड़ता है। पहले तो आगे मुर्गा बाबा गण तो ये विधानसभा देख रहे क्या है, तो आराम से दौड़ा होता रहा। लेकिन जनसत्ता दल के गठन का सबसे बड़ा उत्साह अब देखने को मिल रहा है, लग रहा है जैसे आप लोगों ने ये प्रण कर लिया है, ये निश्चय कर लिया है कि ये चुनाव राजा भैया का नहीं है, ये हमारा अपना चुनाव है। और उसी हिसाब से हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग पूरी सक्रियता के साथ आज चुनाव के मैदान में है। आपके सामने किसी विपक्षी का कोई ऐसा पता नहीं है। हाँ, इसलिए जरूर कुछ लोग उल्टा सीधा बयान देते हैं, बेहूदगी की भाषा बोलते हैं कि हम दोनों तरह चर्चा मारेंगे। लेकिन भाई बाप जैसा संस्कार देने हैं, हम इसकी भाषा बोलता है मोहम्मद आ कहा जाए। लेकिन आप लोग, आपको उस पर न ध्यान दे करके जैसे गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या सिखा रहे थे, अर्जुन से उन्होंने कहा कि तुमको और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ मछली की आंख देखो। और अर्जुन ने बाकी सबसे अपनी नजरें हटा करके सिर्फ अपने लक्ष्य पर नजर रखा और तीर जाकर के मछली की आंख पर लगा। ठीक उसी तरह से पिछली बार नारा था आपका, अपनी बार 1 लाख बार पत्रकार पूछ रहे थे कि साहब ये पूरा हो सकता है क्या, इतना बड़ा रिकॉर्ड। गई कुंडा की सम्मानित जनता है जो कह रहे हैं, मान लीजिए मैं तो मानता ही हूँ, आप भी मान लीजिए, ये करके दिखा देंगे और करके दिखा दिया। आपका नारा है आपकी बार 1.5 लाख बार, वही हम कह रहे हैं कि लक्ष्य पर नजर। बाकी जितना दल प्रत्याशी यहाँ ये दूसरे तीसरे चौथे पंद्रह नंबर की लड़ाई आपस कर रहे हैं, उससे हमसे सब इसका मतलब है। आपका मार्जिन 1.5 लाख पूरा हो, इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो साथी बाहर है, जो मतदाता बाहर है, उनको कोशिश करिए कि वो आ जाए, फोन करके सूची बना करके संपर्क करके। और जो भी सम्मानित मतदाता अपने गांव में मौजूद हैं, उनको प्रेरित करके आरी वाला बटन दबाएं। पहले तो सबसे अच्छे से भली प्रकार से अपनी माताओं को, वृद्धों को, सब लोगों को बैलेट पेपर के नमूने पर चिन्ह पहचानवाओ। माता जी आप लोग बहुत अनुभव जाते हैं, जब वोट वोट दे जाते एकदम आराम से जाइए, कोई जल्दी नहीं ना। जब मशीन सामने रही तो ऊपर से गिनती की नहीं है, ऊपर से छठे स्थान पर 6 नंबर पर आरी के निशान बना हुए, हमारे तस्वीरों को दी हुई और वह वाला बटन दबा नहीं है। आपके आशीर्वाद सब प्राप्त हो जाएंगे। विधानसभा के चुनाव में आपका चुनाव निशान है आरी, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन आरी का बहुत महत्व है, आरी ये निर्माण की प्रतीक। आरी का कितना भी अच्छा हो, लकड़ी दे दीजिए उसको, कहिए कुर्सी बनाओ, जब तक उसके हाथ में कुर्सी नहीं है आरी नहीं होगी। अच्छे से अच्छा कारीगर कुर्सी नहीं बना सकता। तो लखनऊ की कुर्सी बिना आपकी आरी के नहीं बनेगी, आरी आपके पास नहीं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामना, शुक्रिया।
जो इस चुनाव का वोट देखिए, ये दोनों चीज बहुत कम लोगों को मिलती है, एक तरफ बुजुर्गों का वोट और दूसरी तरफ नौजवानों का जोर, ये आपके पास है तो फिर आपको कोई छूने वाला नहीं। जनता दल के प्रत्याशी के माध्यम से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, हम लोगों की बात मेहनत कर रहे हैं, आपका परिवार बढ़ रहा है और आप जिस हैसियत में होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी एक मजबूत दस्तखत होगी, एक मजबूत हस्ताक्षर होगा। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आप सब लोग आए, थोड़ा हम लोग को आने में देर हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं और बहुत बहुत आभार धन्यवाद, ये सब शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन माहौल जो आपने बना दिया है, इस चुनाव को आसमान की बुलंदियों पर जो पहुंचा दिया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मिसाल क्या है? बेमिसाल, बेमिसाल। और दूर दूर के लोग इस चुनाव को देखने, आपका अध्ययन करने, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक आ रहे हैं, गोंडा और बाबागंज ये दो विधानसभा लेखा पड़ी में भले हुए, लेकिन हमारी नजर में ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार और एक घर है। जिस तरह से एक घर में दो कमरे होते हैं लेकिन घर एक ही होता है।